हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड वन, सब्जेक्ट मैरीगोल्ड। आज हम मैरीगोल्ड के वर्कबुक में पढ़ने वाले हैं। ओके, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? यूनिट सिक्स। ओके, देखिए यूनिट सिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था इंग्लिश वन में मुरली मैंगो ट्री, मुरली जो होता है उसके मैंगो ट्री के बारे में पढ़ा दिया था। मैंने रीडिंग टेक्स्ट बुक में आपको करा दी थी। ओके, तो मैंने इसका जो पार्टीशन डिवाइड किया है वो पार्ट वन करके। ओके, तो आपका ये पार्टीशन में डिवाइड नहीं कर रही हूँ, ये छोटा सा चैप्टर है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमको क्या करना है, रीड करना है। एट, मैंगो, ट्रे, सीड, बिहाइंड, हाउस, मैनी, मंथ, लेटर, ये देखिए आपको बुक में दिखाई देगा लेटर। ओके, प्लांट्स, वाटर, एवरीडे, ग्रेन, इनटू, समर, ग्रो, चिल्ड्रन। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स को पहले हम रीड करना सीखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। बॉक्स में यहाँ पर कॉर्नर पे बॉक्स है, आपकी बुक काफ़ी थिक होने के कारण यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर टिक किया है, आप घर पर ये होमवर्क करोगे, इस बॉक्स में फिल करोगे आंसर। ओके, मुरली एट अ, मुरली ने क्या खाया था, मैंगो। आपको पता है ना हमने मैंगो ट्री के बारे में पढ़ा था, तो मुरली ने क्या खाया था, मैंगो। मुरली थ्रेव द फिल इन द ब्लैंक बिहाइंड हिज हाउस। मुरली ने किस चीज की, मुरली ने क्या फेंका था अपने घर के पीछे, तो सीड। कौन सी सीड थी, मैंगो सीड। मुरली थ्रेव द सीड फिल इन द ब्लैंक्स हिज हाउस। मुरली ने सीड कहाँ फेंका था, हाउस के पीछे मतलब बिहाइंड। मैनी मंथ लेटर मुरली सा अ, बहुत दिनों के, बहुत महीनों के बाद मुरली ने क्या देखा, ट्री। क्या देखा, ट्री। मुरली वाटर द फिल इन द ब्लैंक एवरी डे। मुरली रोज किस में पानी डालता था, प्लांट में। ठीक है, द प्लांट ग्रेव इन टू, प्लांट बनकर क्या बना था, बड़ा होकर क्या बना था, मैंगो का पेड़ बना था, मतलब मैंगो ट्री बना था। वॉट ग्रो ऑन मुरली ट्री, क्या चीज का, किसका ग्रो हुआ था, मैंगोज का। उसमें क्या फल रहे थे, मैंगोज। हमने क्योंकि उस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था, मैंगोज ट्री के बारे में। मैंगोज ग्रो इन, मैंगो कब ग्रो करते हैं, समर में। आपने मैंगो को अभी मानसून में, विंटर में देखा है क्या, नो। नाउ मुरली इज फिल इन द ब्लैंक इट द मैंगोज। मुरली अब किसके साथ मैंगो खा रहा था, चिल्ड्रंस के साथ। वो एनिमल्स के साथ बैठ के खाया था क्या, नहीं। नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, नहीं। फ्रेंड्स के साथ, नहीं। उसने किसके साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर क्या खाया था, मुरली ने मैंगो खाई थी। ओके, चले देखें नेक्स्ट पेज। ऑन द नेक्स्ट पेज लुक एट द पिक्चर, रीड द सेंटेंस एंड टिक मार्क, राइट द करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पर मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ पार्क की, जिसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्री। कितने ट्री हैं, वन और टू। एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, सन। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क्लाउड्स। बर्ड क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। ये लड़की क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है ना, अप एंड डाउन। ओके, ये जो लड़का है क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है। ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, बॉल लेकर हाथ में खड़ा है। ये क्या कर रही है, डक पर अप एंड डाउन कर रही है। बटरफ्लाई क्या कर रहे हैं, फ्लावर के ऊपर राउंड एंड राउंड कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और एक बग भी है। ओके, तो वैसे ही आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको क्या करना है, राइट आंसर पर टिक करना है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। टीना, राज, नितिन एंड अमर आर इन अ पार्क पब्लिक स्कूल। ये आपको मैंने पिक्चर दिखाई, वो किसकी थी, पार्क की। तो टीना, राज, नितिन और अमर कहाँ थे, पार्क में थे।
इट इज अ सनी ऑब्लिक रेनी डे। जब वो लोग वहां पर पार्क में खेल रहे थे तो बारिश हो रही थी या सूरज निकला हुआ था। आपको मैंने सूरज की पिक्चर दिखाई थी ना सन की, तो हमको किसमें करना है, सनी डे में। देयर आर टू प्लांट्स ऑब्लिक ट्री इन द पार्क। प्लांट मैंने दिखाए थे आपको, कितने ट्री थे, टू ट्री। तो हम प्लांट में टिक करेंगे क्या, नहीं। टीना इज गोइंग डाउन ऑब्लिक ऑफ द स्लाइड। टीना क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी, किस पे, आप जो स्लाइड को जिसको फिसल पड़ती आप बोलते हो, ठीक है। नितिन एंजॉय ऑन अ स्लाइड ऑब्लिक स्विंग। नितिन किस पे एंजॉय कर रहा था, स्विंग पे, झूले पे। राज हैज अ बैट ऑब्लिक बॉल इन हीज हैंड। राज ने अपने हाथ में क्या रख रखा था, बॉल। ही इज प्लेइंग विथ हीज डॉग ऑब्लिक कैट। वहां पर बच्चे थे, वह किसके साथ खेल रहा था, बॉल, कैट के साथ। देयर इज अ कैट ऑब्लिक डॉग नियर द स्लाइड। स्लाइड के नीचे कौन बैठा हुआ था, कैट बैठी थी या डॉग, कैट बैठी थी। बर्ड आर फ्लाइंग ऑब्लिक सिटिंग इन द पार्क। पार्क में कौन उड़, बर्ड क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे या बैठे थे, उड़ रहे थे। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज। लुक एट द पिक्चर एंड टिक मार्क, राइट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस पे आपको राइट करना है। दिस इज अ मैंगो ट्री, दिस इज एन एप्पल ट्री। ये आपको कौन सा ट्री दिखाई दे रहा है, मैंगो ट्री, तो हम मैंगो ट्री में राइट कर देते हैं। मीना इज ऑन अ बेंच, मीना इज ऑन अ स्विंग। मीना क्या कर रही है, झूला झूल रही है, वो बेंच पर नहीं बैठी है, ओके। टीना इज प्लांटिंग अ सीड, टीना इज वॉटरिंग अ सीड। टीना क्या कर रही है, पेड़ में पानी डाल रही है, वॉटरिंग अ सीड आएगा। जय इज क्लिम्बिंग अप अ ट्री, जय इज क्लिम्बिंग अप अ स्लाइड। जय किस पे चढ़ रहा है, ट्री पे, तो हम ट्री पे राइट करेंगे। दे आर प्लकिंग एप्पल्स, दे आर प्लकिंग मैंगोस। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, मैंगो दिखाई दे रहे हैं या एप्पल, तो हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, एप्पल। देयर इज अ हाउस इन द ट्री, देयर इज अ नेस्ट इन द ट्री। ट्री पे क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है या नेस्ट बना हुआ है, तो नेस्ट बना हुआ है, घोंसला बना हुआ है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑन द नेक्स्ट पेज लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ड्स में जो पिक्चर दिए गए हैं उसके नेम फिल करने, ओके। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये सभी जगह नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि ये वन नंबर का पिक्चर है, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर, फाइव नंबर, सिक्स नंबर, सेवन नंबर, एट नंबर, नाइन नंबर, टेन नंबर, इलेवन नंबर, ट्वेल्व नंबर, ओके। अब मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिखूंगी नहीं, मैं आपको ऊपर जो बॉक्स में नेम दिए गए हैं यहाँ पर ही नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर रिप्लाई करूंगी, जिसको आपको राइट डाउन करना है अपने वर्कबुक में, ओके। इसीलिए मैंने सभी पिक्चर्स पर क्या क्या है नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ताकि आप जब नंबर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करो तो सेम वही नेम इन पिक्चर्स नंबर वाले पे लिखना है, राइट डाउन करना है, ओके। ये किसकी पिक्चर है, फिश की, तो वन नंबर हम किस पे डालेंगे, फिश पे। ये किसकी पिक्चर है, बर्ड की, तो सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, बर्ड। ये किसकी पिक्चर है, शिप की, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, शिप। फिर ये फोर्थ नंबर पे किसकी पिक्चर है, नेस्ट की, घोंसले की, तो फोर नंबर। ये किसकी पिक्चर है, रेन की, बारिश की, तो फाइव नंबर पे क्या आएगा, बारिश। ये किसकी पिक्चर है, बुक की, तो सिक्स नंबर पे क्या आएगा, बुक आएगा। फिर सेवन नंबर पे क्या है, एप्पल है, तो यहाँ पर देखिए सेवन नंबर पर मैं एप्पल की पिक्चर पे, एप्पल की स्पेलिंग पे राइट करती हूँ। फिर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एट नंबर पे स्विंग, झूला है ना, तो यहाँ एट नंबर। फिर नाइन नंबर पे आपको दिख रहा है मैंगो, तो नाइन नंबर पर मैं करूंगी मैंगो, ओके। फिर देखिए यहाँ पर
10 नंबर पे आपका क्या है क्लाउड, 11 पे आपका है ट्रेन और 12 पे हाउस। तो देखिए सबसे पहले 10 नंबर पर हमने देखा था क्लाउड, 11 नंबर पर हमने देखा था ट्रेन और 12 नंबर पर हमने देखा था हाउस। तो इस तरीके से मैंने आपका ये पिक्चर के नेम क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। यहाँ पर मैंने सभी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्रॉपर वही स्पेलिंग यहाँ पर आपको फिल कर। क्लास 1 का यहाँ पर यूनिट 6 कंप्लीट होता है। आप अपनी प्लीज वर्कबुक कंप्लीट करें, जो इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको पीडीएफ में नोटबुक में राइट डाउन करके सेंड करूंगी, उसको आपको भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। जो पीडीएफ मैं आपको नोटबुक के लिए सेंड करूंगी वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है, जो मैं आपको वर्कबुक में कंप्लीट करा रही हूँ वो आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।